जब तुम्हें तीर या खंजर को निशाने पे मारना हो तो तुम्हें होश को अपने कान के और अपने कान को अपनी आंखों के हवाले करना होगा। एक अच्छे निशानेबाज की पलकें सांस और नब्ज से एक साथ चलती हैं। तुम्हें ये आदत बनानी होगी कि बड़े हदफ को छोटा और छोटे हदफ को बड़ा समझो। ऐसे रही मैदान की बात, जितना ज्यादा शिकार का मैदान वसी होगा, शिकार उतनी ही जल्दी जाल में फंसेगा। एक माहिर शिकारी कभी भी अपने आप को तंग हिसार में कैद नहीं करता है, वरना शिकार करने के बजाय शिकार हो जाता है। समझे? जी सरकार। सरदाब और जेर जमीन भी कोई छुपने की जगह है? उम्र साल शिमर और खुली अगर चूहे के बिल में न छुपते तो आज वो अशाज बशाज होते, मेरी और आपकी तरह मुख्तार उसके सिपाहियों का मजाक उड़ा रहे होते। बकवास मत करो, कम हंसने से शिकारी को ज्यादा जज्बा मिलता है। लो, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारा ऐसा वार देखूं कि दिल खुश हो जाए। आप निशाने के आगे खड़े हैं सरकार। मारो, हदफे बेजा मजाक होता है, मश्क नहीं। मारो। आप खड़े होते हैं तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। तीसरा सबक क्या था? अगर शिकारी अपने शिकार से डर जाए तो मखलूब हो जाता है। शाबाश, शिकार का खौफ यानी नाबूदी। जो फौजी जंग से डर जाए वो जंग पहले ही हार चुका। मारो। सही मारा मैंने? मुझे मालूम था कि तुम ये कर लोगे। शाबाश। छुप जाओ फौरन। मारना मत उर्मला, मैं हूं हरकुश। हाँ बताओ, क्या खबर लाए हो? तुम्हारे दुश्मन को ताक के आया हूँ। दरिया के उस तरफ खड़ा होकर तुम्हारी बू सूंघ रहा था, शायद हमारा ठिकाना ढूंढ निकाला है। उसके इरादे ठीक नहीं है उर्मला, लगता है जब तक तुम्हें शिकार न कर ले मुख्तार के पास नहीं जाएगा। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े नजर आ रहे हैं। इस मजूसी को शिकार करने में बहुत मजा आएगा मुझे। शिमर को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया है, उसके जोश को ठंडा नहीं करना चाहोगे? हौसला रखो, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हुरमिला का नाम सुनते ही कांप के रह जाएगा। ये है वो जगह जहां हुरमला छुपा हुआ है। अगर तुम लोगों के पास सूंघने की अच्छी हिस हो तो बूए हुरमला को पहचान लो। उसके पास हमारे इस हिसार से निकलकर भाग जाने के लिए सिवाय इस रास्ते की कोई चारा नहीं। नजा, तुम एक दस्ते के साथ खजूर के पेड़ों के दरमियान छुप जाओ। कसीर, तुम इस तरफ से आगे बढ़ो। शुबेर, तुम इस तरफ आगे। यजदान, हम एक दस्ते के साथ उसके ठिकाने पर हमला करेंगे, सिर्फ पानी का रास्ता खुला रह जाए। हुरमला को हमारे हिसार से निकलने के लिए मजबूरन दरिया की राह लेनी पड़ेगी। दरिया में वो फंस जाएगा और उसे शिकार करना भी आसान। नजाम, कसीर, शुबेर, बहुत होशियार रहना। अगर वो भाग गया तो तुम लोगों को नहीं बख्शूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं अमीर, अगर मेरे इलाके में आपको हुरमला नजर आ गया तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा। आप फिक्रमंद ना हो अमीर,
मैं कीड़ों और परिंदों को भी नजर में रखूंगा, पर मला तो फिर बहुत बड़ा भालू है। ये कौन सी जगह है? कूफे के शेर हुरमला असदी की काछार, वो तीर अंदाज जो कान को नाक के साथ सी देता है। किसी माँ ने इसका सानी पैदा नहीं किया। ज्यादा खुशामदी मत कर, मुख्तसर जवाब दो, तुम कितने आदमी हो? दुश्मन की तादाद के मुताबिक मेरी तादाद भी कम ज्यादा होती रहती है। दुश्मन एक हो तो मैं भी एक होता हूँ, वो दस हो तो मैं भी दस, वो सौ हो तो मैं भी सौ। अगर तुम्हें चारों तरफ से घेर लें तो तुम क्या करोगे? हिसार के दरमियान छुप जाऊंगा, घूमता रहूंगा और तीर बरसाता रहूंगा। उन्हें इतना उलझा दूंगा कि ये ना समझ सके कि तीर कहां से आया है। अगर दुश्मन तुमसे बात करे तो उसे कैसे जवाब दोगे? अपनी आवाज बदल लूंगा। इतनी देर ना करो कि दुश्मन हमारे सर पर आ खड़ा हो, जल्दी करो हुरमला, जल्दी करो। हुरगोज, एक अच्छा शिकारी कभी भी जल्दी नहीं करता, पता तुम्हें याद रहे कि तुम मेरे हाथ के पले हुए हो, कि आने ईरानी अपनी भरपूर ताकत के साथ भी तुम्हारी छोटी उंगली के बराबर नहीं हो सकता, बशर्त ये कि तुम वादे के मुताबिक अमल करो। मैं जा रहा हूं ताकि उस ईरानी के कल्प पर हमला कर सकूं। आप बेफिक्र हैं मालिक, मुझे अपना सबक याद है। फतह, जो सिपाही मैदान जंग में गलती करे उसके पास तलाफी की मोहलत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह सर गुमा चुका होता है। शाबाश, अब तुम समझदार हो। यजदान, इससे आगे अपने आप को फ्रांस की शाखों में छुपा लें, इस तरह से कि छुपे भी रहे और महफूज भी। क्या बेहतर ना होगा कि हम दरिया से चल पड़े हुरमला? पानी का रास्ता बंद है हरकूज। ये ईरानी पहलवान इस खाम ख्याली में है कि अरब के पानी में बड़ी मछली को शिकार कर सकेगा। कादिसिया को भूल गया है शायद। अगर दिल की बात पूरी होने वाली होती तो आज हम दोनों अपने ख्वाबों के महल में होते और अय्याशी कर रहे होते। कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारे पास सुलेमान का कालीन होता, उस पर बैठ के उड़ते और जिस घर की छत पर जी चाहता वहाँ उतर जाते। क्या सुलेमान का कालीन सच्ची चीज थी उर्मिला? उड़ने वाले कालीन के सच्चे या झूठे होने का मुझे इल्म नहीं। हाँ, मगर ये जानता हूँ कि लोगों की जहालत सच है। बहुत खूब हुरमला, समझ गया कि तुम्हें खबर मिल गई। शोर मत मचाओ कि मेरी बात तुम तक पहुंच सके। मैं हूं
खियाने ईरानी, या तुम लोगों के मुताबिक कैसान है अबू उम्र? तुम्हारी समझदारी और होशियारी हैरत अंगेज है। तुम्हें ये चूहे बिल्ली के खेल खेलने बखूबिया, मगर कब तक, कहां तक? कभी सुना है कि कोई मलकुल मौत के चुंगल से फरार हो पाया हो? मिला आखिर तुम्हें तस्लीम होना ही पड़ा। मैं तुमसे दस्तबरदार होने वाला नहीं हूं, मेरी सारी इज्जत तुम्हारे शिकार के दांव पर है। तो फिर मर्द बनो और मैदान में आओ, हम दोनों अकेले लड़ेंगे। तुम्हें ये ज़ोम है ना कि तुम तीरंदाजी में बेमिसाल हो? आ जाओ, आओ अपनी महारत मुझे दिखाओ। मैं भी आरश तीरंदाज के खानदान से हूं, दो तीर एक साथ चलाएं, या मैं तुम्हें शिकार कर लूंगा या तुम मुझे शिकार कर लोगे। शिमर को मारने वाले का नाम कुछ बुजदिलों के लिए डराने वाला नाम हो सकता है, मगर मैं उर्मिला हूं। उर्मिला, कोई ऐसी हरकत ना करना कि मैं साबित कर दूंगा कि किसानी अबू उमरा सिर्फ खाली ढोल है। अगर मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जब तक जिंदा रहोगे चलते रहोगे। मैं चलने ही तो आया हूँ, आओ मुझे चलाओ हैवान। तुम्हारी लुगत में मर्दान की सिर्फ दावेबाजियों को कहते होंगे। अगर तुम मर्द होते तो एक शीरखार बच्चे के गले पर तीर न चलाते। सुन ले, जो भी उर्मिला इब्ने काहिल असदी के साथ रहे और इस बच्चों के कातिल की मदद करे वो भी मार दिया जाएगा। मैंने इत्माम हुज्जत कर दी ताकि मुख्तार की अदालत में तुम लोगों के पास कोई उज्र बाकी न रहे। एहतियात के साथ हमला करते हैं इस्तान, उर्मिला जिंदा काम आएगा बनस्पत मुर्दा की। शेर की दुम से खेल रहे हो ईरानी? यजदान, आगे और पीछे से खुद को छुपा, हम आधे अफराद को लेकर हमला करते हैं। हम अपनी भरपूर ताकत के साथ हमला क्यों ना करें अमीर? वक्त कम है यजदान, मुझे डर है कि ये बुजदिल फिर ना निकल जाए हमारे चुंगल से। जल्दी करो। माफी चाहता हूँ अमीर, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए। हमने अपने आप को इसलिए छुपाया था कि उर्मिला बाखबर ना हो और गाफिल रहे। अब जबकि वो समझ चुका है फिर छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इन शाखों को उठाकर चलना हमारी रुकावट बन रहा है। सब थक गए हैं, अगर आगे पीछे से खुद को छुपाएंगे तो मुश्किल मजीद बढ़ जाएगी। अगर अमीर इजाजत दे तो हम मजीद अच्छी आराइश के साथ मैदान में उतरेंगे। तुम ये समझो जस्ता, जो भी करना है जल्दी करो, आज इस लियो की जड़ काटनी ही होगी। जी अमीर। नाइम, नीचे आओ जल्दी। लड़े? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हम इनकी मजामत करनी थी जो हम कर चुके। यकदिन उर्मिला हिसार से गुजर चुका होगा, नीचे आ जाओ। भाग जाए? नीचे आ जाओ ताकि तुम्हें नई चाल बताऊं।
मुझे तो मजा आ रहा था यहाँ से तीर मार कर, वो लोग दोबारा आ जाएंगे। तो हम उनका असली अदब है क्या है? वो हुरमिला को ढूंढने आ रहे हैं, हमसे कोई वास्ता नहीं उनका। क्या खबर है? अमन अमान है, मैंने रास्ता खोल दिया है, आप लोग पुरसुकून होकर जा सकते हैं। तुम लोगों का अमीर अच्छा तैराक है, गहरे पानी में भी तैरना जानता है। ये तय पाया है कि तुम्हें दरिया में शिकार करें। मतलब दरिया की बड़ी मछली को उसने पहचाना नहीं? ये लो। अल्लाह बरकत दे। आज रात का वादा मत भूलना। तुम्हारे ताबेदार हैं, तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं। क्या रात होगी आज की रात। चलो। तुम्हारा मानी कहाँ है घटिया आदमी? जैसे ही आप लोग पलटे वो लोग यहाँ से भाग गए। ए बदबख्त कज़्ज़ाब, ऐसे खुल्लम खुल्ला झूठ, यकीनन कोई विर्द पढ़कर उठ गया ना। मलून, मैंने हर दरख्त के पीछे एक सिपाही मुकर्र किया है, ऐसे कैसे चला गया कि किसी ने उसको देखा ही नहीं। मैं क्या अर्ज करूं सरदार, आप तो हुरमिला को जानते हैं, वो तो जिनों की तरह है। अगर शराफत से मुंह नहीं खोलोगे तो तुम्हारी जबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। हुरमिला कहाँ छुपा हुआ है? आप साहिब इख्तियार है, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। सरदार, हुरमिला गाय जैसा जिस्म रखता है, कोई चूटी नहीं कि जिसे नाखून के नीचे छुपा लिया गया हो। खुदा की खुदाई की कसम, हुरमिला भाग चुका है, अब आपके सिपाहियों ने उससे कैसे नहीं देखा, ये एक पहली है। तुम हुरमिला के गुलाम हो? जी सरदार। तुम लोगों ने अपने हाथ पैर क्यों बांधे हुए हैं? हुरमिला ने बांधे थे ताकि हम कोई गलती करना बैठे। तुम लोग हुरमिला के साथ क्यों नहीं गए? उसने हमें लुकमा बनाया ताकि खुद भाग सके। वो कितने आदमी थे?
हुरमिला और अरकूस, वो खुद यहाँ से तीर मार रहा था और अरकूस उस पेड़ पे से। हमारे चारों तरफ छुपने के ठिकाने थे, अगर हुरमला हमारे आने के बाद गया होता तो जरूर पकड़ा जाता। मेरे ख्याल से वो हमारे आने से पहले ही चला गया। हम पर तीर चलाने वाले यही दोनों अफराद थे। ये शख्स बहुत चलाक और मक्कार है, मगर हम जुदकोप करके इसकी जबान खुलवा लेंगे। इन्हें हम अपने साथ ले चलते। इतनी सारी फौज, इतनी तदबीरें, वो भी सिर्फ एक सयाह गुलाम और बच्चे को कैद करने के लिए। ये बात मुख्तार को पता चलेगी तो तुम्हारी कोई इज्जत न रहेगी क्या? यजदान जी अमीर, इन दोनों को अमीर के पास ले जाओ और पूरा वाकया उन्हें बता देना। आप नहीं आएंगे? नहीं। क्यों अमीर? मुख्तार की आंखों में कैसे देखूंगा? आप किस बात पर शर्मा रहे हैं अमीर? आपका तो हुरमला से अभी तक सामना ही नहीं हुआ। भागने के लिए मैदान बहुत बड़ा था, सो वो भाग गया, और फिर हमारा हाथ बिल्कुल खाली नहीं है। शायद हुरमला का गुलाम भी शिमर के गुलाम की तरह उसके पकड़ने का जरिया बन जाए। मैंने खुद हुरमला को शिकार करने की इजाजत मांगी थी। मेरी 2 से 3 दिन की मोहलत 10 दिन तक आ गई और मैं अब तक अपने ही गिर चक्कर काट रहा हूं। मुझे लगता है कि हमारे काम में कहीं नक्स जरूर है। आपने अब तक वैसे भी कोई कम खिदमत नहीं की है। आपके इकदामात पर शरायत आयद करना कोई मुनसिफाना हजर नहीं है। आप अब भी फखर से अपना और अपने हक का दिफा कर सकते हैं। किसी ने मेरा हक नहीं खाया यजदान, शायद मैं खुद ही अपने हक के आगे रुकावट बन गया। इन नाकामियों का फैसला जमीर की अदालत किया करती है। मैं तन्हाई में अपना मुकदमा अपने आप से लड़ना चाहता हूं। खुदा हाफिज यजदान। आप मत जाइए अमीर, कम से कम तन्हा तो ना जाइए, यू जाना खतरनाक है। हुरमला एक जख्मी सांप है, मुमकिन है कि वो छुप कर बैठा हुआ हो और पीछे से हमला आवर हो जाए। खुदा करे कि तुम्हारा गुमान ठीक निकले। शायद उसकी ये जादुई फरार मुझसे तन्हाई में लड़ने के लिए ही हो। काश कि उसका यही इरादा हो। क्यान खुद क्यों नहीं आया? वो शर्मिंदगी के मारे ना आ सके। उन्हें नहीं लगता था कि हुरमला से मुकाबले में शिकस्त खा जाएंगे। कुछ अंदाजा है वो कहां गया? क्या इरादा था उसका? मैंने जितनी भी रुकावट की उन्होंने कुछ भी ना बताया। वो बुरी तरह से अपने आप से लड़ पड़ा है। मुझे डर है कि कहीं खुदा ना ख्वास्ता अपना ही नुकसान ना कर बैठे, खासतौर पर जबकि हुरमला भी साये की तरह उसकी ताक में है। जाओ और बदमाशों का हुलिया बनाओ और मुस्तकिल की आन पर नजर रखना। बिन कामिल, इस शख्स को कैद कर लो और इसके बेटे को आजाद कर दो। अमीर, अमीर, मैं आपके पांव को चूमता हूं। इस मासूम बच्चे पर रहम कीजिए, इसकी मां मर गई है
खुदा की कसम बेकसूर हूँ। तुम बेकसूर हो? तुमने इब्लीस की मदद की है जिसने एक 6 महीने के शेरख्वार को तीर मारा, वो भी उस वक्त जबकि बच्चा प्यास से तड़प रहा था और उसका बाप सिर्फ एक घूंट पानी मांग रहा था। खुदा और उसकी तमाम मखलूक की लानत और मिलाप, उसका गुलाम था मीर, चारा कोई ना था सिवाय इताअत के। खुदा और रसूल की कसम, अगर मुझे इस बच्चे की फिक्र ना होती, उर्मिला की जान ले लेता। लानत हो तुम लोगों पर, लानत हो तुम दोनों पर। औरतों और बच्चों के बहाने अपनी गैरत और मर्दांगी का सौदा कर बैठे हो। ले जाओ इसे। अमीर, मैंने आपकी अदल इंसाफ से भरपूर दास्तानें सुनी है, मुझे खैर कर लीजिए, मगर इस बच्चे को मुझसे जुदा मत कीजिए, इसका मेरे। औरतों और बच्चों के बहाने अपनी गैरत और मर्दांगी का सौदा कर बैठे हो। ले जाओ इसे। अमीर, मैंने आपकी अदल इंसाफ से भरपूर दास्तानें सुनी है, मुझे खैर कर लीजिए, मगर इस बच्चे को मुझसे जुदा मत कीजिए, इसका मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे बगैर वो मर जाएगा। काफी है बिन कामिल, इसे और इसके बच्चे को जिंदान में डाल दो ताकि बाद में इसके जराइम का भी हिसाब चुकाएं। कुदरत का शैतान आहिस्ता आहिस्ता अपना गलीज चेहरा दिखाना शुरू कर रहा है। कुछ अरसे से मैं भी उसकी बहुत सी हरकत और सकनात पर गौर कर रहा हूं। जिस दिन कियान शिमर के कटे हुए सर को लेकर आया, उस दिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिससे मैं डर गया। और नियत ईमान के लिए आफत है अबू साहब, मुझे नहीं लगता था कि कियान अपने आप को शैतान के जाल में फंसा दे और इख्तदार अगवा कर ले। जब जान से सुना कि वो अपने आप से लड़ पड़ा है तो मुझे कुछ उम्मीद सी हो गई। ये जो हमसे दूर हो गया है इसका मतलब है दिल का बहलावा। खुदा उसे निजात दिलाए, ज्ञान बख्शिश का मुस्तहिक है। आमीन। उर्मला का क्या करें अबू साहब? पहले की तरह तुम खुद उस बेगैरत का गला छेदने पर मामूर हो। अलबत्त ज्ञान का भी ध्यान रखना, कहीं वो ये ना समझे कि हम उससे नाउमीद हो गए। अगर तुम्हारे काम में कोई मुश्किल पेश आए तो मेरी साथी मदद भी ले सकते हो। तकब्बुर से तेरी पनाह चाहिए, गुरूर से तेरी पनाह, हसद से तेरी पनाह। खुदा, मैं इकरार करता हूं कि मैंने गलती की है। मैं क्याम की तमाम तर फुतूहात को अपने नाम लिखवाना चाहता था। तूने अरमला के मुकाबले में मेरा घमंड तोड़ दिया। खुदा, तू रहमान है, तू रहीम है। खुदा, इस फकीर बंदे की गफलत पर इसकी गिरफ्त न फरमा। रुक जाओ, रात को भटकने वाले मुंह से नकाब हटाओ, जल्दी करो। माफी चाहता हूं भाई, मैं नहीं हटा सकता। ताज्जुब है, रात का राज। ये रात का राज क्या होता है? रात का राज एक खास जुमला होता है सरकारी अफराद की शनाख्त के लिए, आम अफराद इसका राज नहीं जानते। रात का राज अंधेरा है। अंधेरा रात का रंग है, ना के राज। नकाब हटाओ इससे पहले कि तुम्हें सबक सिखाऊं। नहीं कर सकता मेरे भाई,
एक लाइलाज बीमारी है मुझे, मेरी सांस मोहलिक है, मुमकिन है कि खुदा ना खास्ता आपको ये मर्ज ना लग जाए। तो फिर तो तुम्हारा जुर्म और भी ज्यादा शदीद हो गया। बेहिस आदमी, बेवकूफ, तुम लाइलाज मर्ज के साथ शहर में घूम रहे हो ताकि मुसलमानों को बीमार करो। ऐसा हरगिज नहीं है। रात को कुछ दिल बैठने लगा तो गमजदा हालत में मस्जिद चला गया था कि खुदा से शफा तलब करूं। सजदे में गया तो अपने हाल से बेखबर हो गया। जब मस्जिद के खादिम ने मुझे आवाज दी तो मैं समझा कि रात खत्म हो गई और सुबह होने वाली है। कहानियां मत बनाओ। तुमने सुना हुआ है कि अमीर कूफा मुख्तार है और अली की मोहब्बत का बाजार अपने उरूज पर है, तो ऐसी कहानी बनाई कि हम खुश हो जाएं, हाँ? मैं आपका मकसद नहीं समझा, कौन सी कहानी? एमक, जो शख्स नमाज में अपने हाल से बेहाल हो जाता था और उसके पैर से तीर निकाल लिया गया, उसे खबर तक ना हुई वो सिर्फ अली थे। जी हाँ बिल्कुल, इन बातों का मेरी गुजारिश से क्या ताल्लुक था? उसका ताल्लुक जल्द ही समझ जाओगे। इसके हाथ पैर बांध दो। किस जुर्म में भाई, किस जुर्म में? कातलाने हुसैन अली वालों का रूप धार लेते हैं ताकि मक्कारियों के जरिए कानून नाफिज करने वालों को धोखा दे सकें। मुझे यकीन है तुम उन्हीं में से एक हो। जिंदान में डाल दो इसे। आपसे पनाह मांगता हूँ सरदार, अगर मुझे कैद कर देंगे तो मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी बचा लीजिए, रहम करें। कुछ तो है जो इतना इल्तिमास कर रहे हो। जिंदान में क्या खौफ है, तुम पहचाने गए तो आजाद हो जाओगे। जब तक मेरी पहचान होगी तब तक तो सारी जिंदगी कट चुकी होगी। रहम करो सरदार, मैंने हिसार तोड़ा है जो इसका जुर्माना दे देता हूँ। मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ। चोरी की तो नहीं है? खुदा की कसम हलाल के, बिल्कुल पाक साफ है। कितने दे रहे हो? तुम्हें कितने चाहिए? तुमने तो कहा था कि माशाल्लाह मालदार आदमी हो, तुम पे छोड़ा। जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम रात दिन कुत्तों की तरह पहरा देते हैं ताकि मुसलमान आराम से सो सकें। जितना भी दोगे जाया नहीं जाएगा। लानत है इस बेगैरती और खयानत पर। नमक हराम कहेंगे। तुम अमानतदार हो या अमानत खार? मैं हूं खेसान अबू उमरा। अब मैं समझा कि क्यों हुरमला जैसे मुजरिम बड़े मजे से कूफे में घूम रहे हैं और आजाद हैं। जब तक सिपाही रिश्वत खोर और चोर होंगे, हुरमला जैसे पे क्या रोना। माफ कर दे, माफ कर दीजिए अमीर, मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दे, माफ कर दीजिए। अरे ओ रात की राही, वहीं रुक जाओ। मैं रात का राही नहीं हूँ सिपाही, तुम्हारा अमीर हूँ। मेरा नाम कियान है, कैसान अबू उमरा कहलाता हूँ। जाहिल इंसान, कैसान है अबू उमरा अपनी मामूल की आदत के मुताबिक कुछ ही देर पहले अपने घर जा चुके हैं। मुझे यकीन है कि अभी भी वो अपने बिस्तर पर आराम कर रहे होंगे और हुरमला को मारने के ख्वाब देख रहे होंगे। या साहिब वाशत।
सनान जैसों को मार के तुम बहुत भूल गए थे ना, तुमने सोचा हुरमला को मार के मैदान के बेरकीब शिकारी बन जाओ, ये रही उसकी गरामत। हुरमला सिर्फ हवाई बातें नहीं करता, मैंने पैगाम दिया था कि अगर तुमने हुरमला का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सूख में रुला दूंगा। अगर तुम अब भी वही मक्खी बने रहना चाहते हो जो हर वक्त हुरमला की रट लगाए रखती है तो कोई बात नहीं, तो वादा करता हूं कि अगली सर्प में तुम्हारा काम भी तमाम कर दूंगा। ईरानी कहीं के हुकूमत गमजदा और दागदार है। एक शक्की तरीन हैवान के खंजर के बाइस जो इंसानियत पर एक बदनामी का दब्बा है। आज क्याम ने अपने मासूम बच्चे की कुर्बानी दी है ताकि उसका खून क्याम की बका और दवाम का जामिन हो। आज क्याम की जिगरसोज बहन एक पाक दामन और आजाद रूह के साथ कफस अंसरी से परवाज कर गई है ताकि क्याम का दरख्त परवान चढ़ सके। शक ना करें अदो इंसाफ, ऐसे बेगुना खून का ही फल होती है। अमीर, आप ज्ञान से कुछ बात कीजिए ताकि अपने आप को संभाले। ज्ञान को इस वक्त तन्हाई की जरूरत है, इसका ख्याल रखना। मुझे डर है कि इस सख्ती की हालत में कहीं ये पागल ना हो जाए। घबराओ मत यस्तान, मकतबे हुसैन में सब्र करना जहाद का सवाब रखता है। ज्ञान मौला हुसैन का मुरीद है। क्या उससे रोटियां नहीं चाहिए?
हमें क्याम से सर खसाया और छत नहीं चाहिए, हमें क्याम से अमन और अत्तो इंसाफ चाहिए। फकीरों, ज़ईफों और मुसाफिरों के अमीर पर, बेशक आप जैसा अमीर इस लायक है कि हम जैसे लोग उसकी रकाब में जान निसारी दिखाएं। तुम्हारी खुशी बेवजह नहीं है बिन कामिल, बताओ तो सही क्या कारनामा करके आए हो? हुरमला मौत के दहाने पर खड़ा है अबू इसहाक। मतलब हुरमला अब तक जिंदा है? हैदर और शीरी के खून ने हुरमला के गले में फंदा डाल दिया है और उसे लंगड़ा बना दिया है। जो भगोड़ा एक चश्मे जदन में गायब हो जाया करता था, इस वक्त वो किसी कीड़े की तरह मकड़ी के जाल में हाथ पांव मार रहा है और तड़प रहा है। वो कुछ ज्यादा ही अहमक बन बैठा है, ये समझ रहा है कि उसने मुख्तार को मार डाला। हुक्म दीजिए कि मैं अभी जाकर उसका कटा हुआ सर ले आऊं। कत्ल होरमला हम सबका फर्ज है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, इजाजत किस लिए? मैं और कियान होरमला को शिकार करने के मामले में अपना नसीब आजमा चुके हैं। बड़ा शिकार एक बड़ा शिकारी मांगता है, मुख्तार से बढ़कर और कौन हो सकता है? अगरचे हुरमला को मारना मेरे लिए एक मीठी तमन्ना है, मगर मैं सोचता हूँ कि ये फतह हुसैन का इंतकाम लेने वालों के अलमदार के शायान शान हो। मैं जंगी लिबास पहन कर आता हूँ। कियान का खाना नशीन हो जाना मुख्तार की कमर तोड़ गया। मुख्तार का सारा भरम कियान था, जिसको ढेर कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक और खुशखबरी सुना दूं? नेकी और पूछ पूछ। आज सुबह सवेरे राह मस्जिद कूफा में मुख्तार के कान को नाक के साथ सीकर आ गया हूं। नहीं, तुम्हारी जान की कसम, बईद लगता है कि वो सही सलामत और जिंदा रहा हो। तो अब तक उसका ढंडोरा क्यों नहीं पीटा गया? इसलिए कि अगर यह ऐलान हो गया तो उनकी हुकूमत का शिराजा बिखर जाएगा। इस वक्त मुख्तार का मसनूई पुतला उसकी जगह पर इराक का हाकिम है। तुमने ख्वाब तो नहीं देखा? हाँ, मैंने हमेशा अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया है। तो फिर अजमो के अमीर के सोग में जरा सा हलक तर कर लें। ये लो पियो हुरमला। मैं बगैर पिए ही मस्त हूँ। शिकार के मैदान में एक अच्छा शिकारी अपनी इज्जत और आबरू थोड़ी सी शराब के बदले नहीं बेचता। तुम चाहते हो मेरा तीर खता हो जाए और शिकार मेरा मजाक उड़ाए?
ठीक है? बिल्कुल अमन अमान है, परिंदों ने गोया कोई भेड़ देख लिया है। आखिर उन्होंने हुरमला को जो देखा है। तुमने कुमेश को मार डाला हुरमला? हम फंस चुके हैं। हुरमला, आखिरी वक्त आ पहुंचा। तुम्हारे भागने का वाहिद रास्ता यह है कि तुम जल के धुआं हो जाओ। अब फैसला कर लो। मुख्तार बजाते खुद आया है तुम्हारी जान लेने। अगर मर्द हो तो आओ और अपना दिफा करो। लड़ने का असलाह भी तुम्हारी पसंद के ऊपर छोड़ा। मुख्तार क्या चाहता है कि उसकी जान किस चीज से लूं? तीर से या खंजर से? तुम अपने इस बेतुके तीर कमान से सिर्फ शीरख्वार बच्चों को शिकार करना जानते हो। शायद खंजर तुम्हारे ज्यादा काम आ जाए। एक खंजर तुम्हारा, एक खंजर अमीर मुख्तार का। ताजब है, मुख्तार शाह को मैदान में देख रहा हूं मैं। मुझे नहीं लगता था कि तुम शाही तख्त छोड़कर मैदान में आओगे। तुमने हमारी इस लड़ाई में बहादुरी को शर्त रखा है। एक खंजर तुम्हारा, एक खंजर मेरा। अब जबकि तुमने हुसैन के नाम पे अपने लिए कला सा बना लिया है और ताज तख्त खरीद लिए हैं, हैफ है कि तुम ये ना जानो कि हुसैन ने आशूर में क्या क्या सहा है। कम से कम मैंने जो हुसैन के साथ किया है वो सुन लो, फिर मरना या मुझे मार देना। जब हुसैन के खीमों पर प्यास का गलबा बढ़ गया और हुसैन का चश्मा मैदान में आ गया, हुसैन ने उसे अपने हाथों पर उठाकर फरियाद की। बकवास बंद कर मैलून।